तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज है KTM RC 200 और इस बाइक का हम चेंज करने वाले इंजन ऑयल। कैसे चेंज करना है वो आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इसका इंजन ऑयल कैसे निकालना और कैसे डालना है वो सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। इंजन ऑयल भी चेंज करेंगे, ऑयल फिल्टर भी चेंज करेंगे, क्योंकि ऑयल फिल्टर जरूरी है चेंज करना। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूं इसका इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। तो ये है इसका ऑयल फिल्टर, ये जो ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है ये 70 या 75 रुपए का आता है, ये 74 रुपए इसकी एमआरपी होती है। तो ये पल्सर आरएस में भी लग जाता है और केटीएम में भी लग जाता है। तो पल्सर आरएस केटीएम दोनों का सेम ऑयल फिल्टर है, तो आप लोग आरएस का भी डाल सकते हो, केटीएम का भी डाल सकते हो। ये है इसका इंजन ऑयल, मोटुल का 7100 और 20W50 डेढ़ लीटर है, ये देखो 1.5 लीटर। और ये 100% सिंथेटिक ऑयल है। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है 1273 रुपए प्राइस है और ये 1.5 लीटर है। तो इसको डालते हैं हम बाइक में, कैसे डालना और जो पुराना वाला है उसको कैसे निकालना वो भी बताएंगे आप लोगों को। तो चलो पहले जो पुराना वाला इंजन ऑयल है वो कैसे निकालना है वो बताते हैं आप लोगों को। तो पुराना वाला जो इंजन ऑयल है वो निकालने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो बोल्ट है हमारा 18 नंबर का, ये देखो 18 नंबर का बोल्ट है, इसी को हमको खोलना है। तो यहाँ पे पहले 10 नंबर के चाबी से यहाँ पे एक 10 नंबर का बोल्ट होगा, इसको खोल लेंगे। ये देखो ये पतरा नीचे हो जाएगा, इस तरीके से नीचे कर लेना है। अब इसके बाद इसमें गोटी टामी लगाना है यहाँ पे 18 mm की, और उसके बाद लूज कर लेना है। तो चलो मैं फटाफट से इसको लूज कर लेता हूँ। ये देखो 18 mm की गोटी है और यहाँ पे लगा के हम इसको लूज कर लेते हैं। तो चलो मैं लूज कर लेता हूँ, उसके बाद इसका इंजन ऑयल निकालता हूँ। तो यहाँ से हमने बोल्ट को लूज कर लिया है और अब इसका इंजन निकालते हैं। नीचे जो हमको रख देना इस तरीके से, ये देखो रख दिया यहाँ पे, इंजन ऑयल सारा हमारा इसी में निकलेगा, जो पुराना इंजन ऑयल निकलेगा वो इसी में निकलेगा, डब्बे में निकाल लेंगे पूरा। तो यहाँ से हम खोल देते हैं अब बोल्ट को और ऑयल यहाँ से निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे एक जाली लगी होगी, तो वो जाली को आप लोग प्लास से पकड़ के इसको निकाल लेना। तो चलो मैं प्लास से पकड़ के जाली को भी निकाल लेता हूँ। इस तरीके से प्लास से पकड़ के ये जाली को निकाल लेना। ये देखो पूरा इंजन ऑयल निकलने लगेगा, ये देखो हमारा जो इंजन निकलना स्टार्ट हो गया। अभी ये जाली को करना है क्लीन और जो बोल्ट है उसको भी करना है क्लीन। तो यहाँ पे हम ऑयल निकलने देते हैं और उसके बाद ये जो जाली है इसका बोल्ट है उसको भी क्लीन कर लेते हैं, ये दोनों को क्लीन कर लेते हैं। तो सारा इंजन हमारा निकल चुका है, अभी ये जाली को हमने क्लीन कर लिया और बोल्ट को भी हमने क्लीन कर लिया। तो पेट्रोल से बोल्ट और जाली को क्लीन किया है और इसका जो सारा इंजन ऑयल वो निकल चुका है। तो अभी तसले को रखते हैं हम साइड में और इसके बाद इसमें पहले लगाएंगे जाली। तो ये वाला पार्ट हमको बाहर की तरफ रखना है, ये वाला पॉइंट। तो इसको इस तरीके से लगाएंगे और इसको लगाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ देना, घुमा के बैठा देना है। ये देखो घुमा के बैठा देना है, होल रहता है होल में बैठ जाता है। ये देखो अभी बैठा नहीं है, ये बैठ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखो घुमा रहा हूँ मैं, बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया और अभी इसका बोल्ट लगा के कम्प्लीट टाइट कर लेते हैं। तो ऑयल बोल्ट हमारा हो गया टाइट। अब इसके बाद ये तसले को हम करते हैं साइड में, ऑयल के रखते हैं अलग। और उसके बाद जो हमने नीचे पतरे से इसका 10 नंबर बोल्ट खोला था, ये वाला बोल्ट यहाँ से, तो इसको लगा के कर देना टाइट, क्योंकि यहाँ का काम हमारा होता है खत्म। और अब चलते हैं इसका ऑयल फिल्टर निकालते हैं। ऑयल फिल्टर कहाँ पे होता है वो आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ का हमने जो फाइबर खोल दिया है यहाँ पे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे यहाँ का फाइबर ये रखा हुआ है, तो इसको हमने खोल दिया। कैसे खोला वो आप लोगों को मैं बताता हूँ और कितने स्क्रू होते हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। सारे जो एलंकी बोल्ट होते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो इसमें जो एलंकी बोल्ट होते हैं एलंकी बोल्ट से टाइट रहता है। तो पहला इस जगह पे लगा रहता है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आप लोगों को फाइनली बता देता हूँ। देखो एक इस जगह पे रहता है, यहाँ पे एक रहता है, और जो हमारा दूसरा है वो यहाँ पे रहता है ये जगह पे, और जो हमारा तीसरा वाला है ये दो हो गए, एक और दो दो हो गए। अभी जो तीसरा वाला है वो आप लोगों को बताता हूँ, वो यहाँ पे लगेगा इस जगह पे, यहाँ पे रहता है इस जगह पे। तो तीन बोल्ट आप लोगों को खोलोगे, तीनों एलंकी बोल्ट होते हैं, एलंकी बोल्ट आप लोग तीन खोलोगे, एक इस जगह पे रहता है यहाँ पे, चार हो गए। तो चार बोल्ट आप लोग खोलना, यहाँ का टूटा था तो यहाँ से हमने नहीं खोला था, तो तीन ही खोला था तो हमारा फाइबर निकल गया, क्योंकि चौथा टूटा था तो ये वाला फाइबर निकल गया था। तो हमने इसको निकाल के साइड में रख दिया। सारे एलंकी बोल्ट हैं, चार रहते हैं। अब यहाँ पे इसका है ऑयल फिल्टर, ये लगा हुआ ऑयल फिल्टर, यहाँ पे लिखा हुआ ऑयल फिल्टर। तो ये दो बोल्ट 8 नंबर खोलते हैं, इसका ऑयल फिल्टर निकालते हैं बाहर, नीचे तसला को रख लेना है। तो अब ये बोल्ट को खोल के इसका ऑयल फिल्टर बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैप निकल चुका है ऑयल फिल्टर का, इसको रखते हैं साइड में। इसका जो ऑयल फिल्टर लगा हुआ वो कैसे निकालना वो आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हमने पतली तार ले ली है, ये देखो पतली तार ले ली है, बिल्कुल लोहे की तार है, और इसको यहाँ पे फंसाएंगे ऑयल फिल्टर में। इसको फंसा के इस तरीके से खींच के निकाल लेंगे, ये देखो ये निकल जाएगा, ये देखो निकल गया,
तो इसी तरीके से आप लोगों को इसका ऑयल फिल्टर निकालना है। तो इसको मैं पूरा निकाल लेता हूँ, ये देखो ये निकल गया हमारा। ये ऑयल फिल्टर आरएस में भी लगता है, पल्सर आरएस, आरएस में भी यही ऑयल फिल्टर लगता है और केटीएम में भी यही ऑयल फिल्टर लगता है। तो केटीएम और आरएस का दोनों सेम है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो अभी इसको क्लीन कर लेते हैं, पूरा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद नया फिल्टर डालते हैं। तो ये देखो हमने पूरा क्लीन कर लिया है, इसमें जरा सा भी पुराना जो मोबाइल है वो हमने नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर ये कैप भी हमने क्लीन कर लिया है और इसके बाद इसका ऑयल फिल्टर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारा ऑयल फिल्टर, तो ऑयल फिल्टर को निकालते हैं बाहर और इसमें लगाते हैं और कैसे लगाना वो आप लोगों को बताते हैं। तो ये है इसका ऑयल फिल्टर, ये है फिल्टर, ऑयल फिल्टर। तो इसको लगाने के लिए हमको ऑयल लेना पड़ेगा, जो हम इसी में इसी बाइक में जो ऑयल डाल रहे हैं मोटुल वाला। तो यहाँ पे इसको पहले खोल लेते हैं और अब ऑयल फिल्टर में इंजन ऑयल भरना है, नया वाला इस तरीके से इसको भरना है। ऑयल 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 फिल्टर जो है वो भिगाना है हम लोगों को ऑयल से। तो ऑयल से हम इसको भिगा लेते हैं, ये देखो इस तरीके से डाल देना ऑयल ऑयल फिल्टर में ऑयल। ये देखो यहाँ पे हमारे हमने डाल दिया। अब इसको फिटिंग कैसे करना वो आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा भीग जाएगा, ये देखो ये पूरा भीग जाएगा, ऑयल इसमें भर लेना है तभी आप लोग इसको लगाना। तो अभी हम इसमें ऑयल लगा लिए, ये पूरे में हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो ओरिंग लगी हुई थी इसमें ऑयल लगा लेंगे, इस तरीके से ऑयल लगा लेना, यही इंजन ऑयल लगा लेना है और इसको अंदर की तरफ रख के फिटिंग करना है इस तरीके से। इस तरीके से लगा के इसको फिटिंग करना, हल्का से इसको दबा देना हाथ से। ये देखो मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये ऑयल फिल्टर लगाया और इसको हाथ से दबा दिया, ये बैठ गया, ये देखो बैठ गया। और अब इसका जो बाहर का कैप है वो लगाते हैं, ये देखो ये कैप है, लगा के टाइट करते हैं इसको। हमको इसी तरीके से रखना है, यहाँ पे भी ओरिंग में ऑयल लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक ओरिंग होती है। तो इसको रखना ऑयल फिल्टर जिधर लिखा हुआ उसको रखना इस साइड में। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा के इसको दोनों बोल्ट लगा के इसको भी कम्प्लीट टाइट कर लेते हैं, उसके बाद डालते हैं इसमें इंजन ऑयल। और अब डालते हैं इसमें इंजन ऑयल, ये इंजन ऑयल जो हम 1.5 लीटर पूरा डाल देंगे इंजन ऑयल, क्योंकि 1.5 लीटर पड़ता है इस बाइक में। तो चलो 1.5 लीटर पूरा जो इंजन ऑयल है वो हम डाल लेते हैं। तो इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर दोनों हमने चेंज कर दिए, कैसे चेंज करना है वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो इंजन ऑयल हमारा चेंज होगा, यहाँ पे जो लेवल है इसका यहाँ पे रहना चाहिए, ये वाले पॉइंट में, ये वाले। तो अभी मुझे इस बाइक को पूरी सर्विस करना है और मिसिंग भी ये बाइक कर रही थी, इसकी थ्रोटल बॉडी भी क्लीन करना है, एयर फिल्टर भी डालना, पूरा काम करना है। तो अभी ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।